की खास बात है, मतलब जिसे ये जाना माना जाता है। यहाँ के लोग मतलब परिवार कभी बनते नहीं है, जैसे तुमने कहीं और जगह देखा होगा मतलब शादी होती है तो अलग हो जाती है, यहाँ ऐसा नहीं है। तू भी पूरे गांव में देख रहा होगा आज मतलब एक ही चूल्हा जलेगा पूरे घर में और सबकी जॉइंट फैमिली है, मतलब परिवार नहीं बनते ज्यादा, मतलब बहुत कम, मतलब परिवार कितना भी बड़ा हो लेकिन चूल्हा एक ही जलेगा और खाना एक साथ। ये पड़ोस में ये बगल में ये गांव घर देख रहा होगा, ये वाला, इस फैमिली में कम से कम 40 सदस्य है एक फैमिली में, अब लगा लो 40 आदमी लिए कैसे खाना बनता होगा। लेकिन जब आपस में प्यार है इनका तो सब मिल बांट के करते हैं, मतलब पता भी नहीं चलता है 40-50 पर पता नहीं चलता इनका कि कितने फैमिली है। वही तो, अभी जब फेस्टिवल होता है कुछ भी गांव आते हैं तो इतनी भयंकर भीड़ होती है, ऐसा लगता है कि ये एक पूरा ही गांव इकट्ठा हो गया। इलेक्शन टाइम पे भाई इनको बड़े मुश्किल से खरीदना पड़ता है और एक ये परिवार एक वो, जहाँ समझो ये गए और हो गए वहाँ समझो पूरा जीत गया है, पूरा रिकवर कर गया। ये बहुत ही खास बात है, मतलब वाओ यार। हमारे गढ़वाल में मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ तो ऐसा नहीं है, लोग अब एक साथ रहना पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के क्षेत्र में सभी लोग एक साथ प्यार से मिलजुल कर रह रहे हैं और खाना पानी सब कुछ एक साथ है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है और ऐसा गढ़वाल वासियों को भी सीखना चाहिए जो कि अलग थलग हो चुके हैं एक दूसरे से आजकल। ये मत समझना कि गढ़वाल नहीं है, ऐसा नहीं है, ये एक ये भी गढ़वाल में ही आता है बट थोड़ा सा ये क्षेत्र बंटे हुए हैं जौनसर बावर ऐसे ऐसे करके है, मतलब एक गढ़वाल मंडल में ही आता है, गढ़वाल मंडल कुमाऊं मंडल दो ही मंडल है हमारे उत्तराखंड में, तो ये भी गढ़वाल मंडल में आता है। बस यहाँ की थोड़ी सी संस्कृति है वो थोड़ी डिफरेंट है, जौनसर के लोग मतलब वैसे थोड़ा मतलब एकजुट रहते हैं और मतलब तुमने देखा होगा गढ़वाल में कोई मतलब एक साथ शादी के बाद तुरंत अलग अलग हो जाते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यूज इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जैसे हमारे घर में शादी तो इस वजह से यूज नहीं होगा, ये तीन वो पिछले बने मतलब इसमें ना तीनों उस पे मतलब एक साथ खाना बन सकता है, जो पानी गर्म करना हो कुछ भी दूध वगैरह बॉयल करना हो तो एक साथ हो जाता है, ऐसा नहीं है एक उठाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंस मिलेगा। अभी शादी का माहौल चल रहा है तो थोड़ा सा चेंज मिलेगा तेरे को, ठीक है। ये मेरी मॉम है, ये मेरी चाची है, दोनों आराम से बैठे हैं, काम नहीं करे बस बैठे हैं। यहाँ से धुआं जाने के लिए बनाएंगे क्या, ये वाला धुआं जाने के लिए जहाँ से रोशनी आ रही है, हाँ के लिए ताकि बहुत ही प्यारी। Thank you.